कि गोपालगंज में आम इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस जो सेंटर चल रहा है, ये कैसे मतलब मैनेज कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट को, इस हॉस्पिटल को और इस डायलिसिस सेंटर को? सर सर मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल, आसान तो है नहीं, बहुत मुश्किल है। कितने बच्चे मेरे पास हैं, करीब 60-70 बच्चे मेरे पास हैं और इतने सारे एम्प्लॉय भी हैं। ये बताइए सर कि जैसे कि ये कोर्स करने के लिए हम लोग को पटना, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों में दिल्ली, नोएडा, एनसीआर जाना पड़ता था और फिर बहुत जाते भी हैं, जाते हैं लोग। लोगों के मन में भावना ये रहता है कि हमें कोर्स यहाँ पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। साथियों आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है आज गोपालगंज जिला में। गोपालगंज जिला आज काफी प्रसिद्ध शहर बन चुका है और आज मैं बात करूंगा जो बच्चे अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर प्रदान हो रहा है गोपालगंज सिटी में। यानी हम जहां पहुंचे हुए हैं एक ऐसा संस्था, एक ऐसा सेंटर जो वाकई में यहाँ के परिवार के लिए, यहाँ के समाज के लिए बड़ा काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है आइए हम जानते हैं, आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी टीम पहुंची है आम इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस सेंटर, यानी कि जो यहाँ पे कोर्सेज हो रहा है, तमाम कोर्स के माध्यम से बच्चों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये बता दें आपको कि यहाँ पे आम इंस्टीट्यूट भी है, आम हॉस्पिटल भी है और आम डायलिसिस सेंटर भी है, यानी किडनी डायलिसिस सेंटर भी है। इन सभी का एक प्रदर्शन काफी बेहतरीन है। आज मैं इसलिए पहुंचा हूं कि आम इंस्टीट्यूट में कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जीवन में सफल कितना हो सकते हैं। बता दें आपको कि अप्रूवल की बात करेंगे पीसीआई AINC स्टेट मेडिकल फैसिलिटी बोर्ड ऑफ टेक्नीशियन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एप्लीकेशन की बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से ये मान्यता प्राप्त है, साथ ही साथ और भी कई संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे जो सर है मैनेज करते हैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल को और इस इंस्टीट्यूट को, यानी कि आम इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस सेंटर। यानी कि सबसे बड़ी बात है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये संस्था रन हो रहा है और यहाँ तमाम कोर्सेज हो रहा है। आज युवाओं में, यानी कि युवाओं में, लड़कियों में और बॉयज में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि वो लोग कोर्स करना चाहते हैं पारा मेडिकल का, क्योंकि इसमें बहुत जल्द सक्सेस मिलने का गारंटी रहता है। तो बात करते हैं सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है, आपका नाम जानना चाहेंगे सर। राहुल कुमार सिंह है जी। राहुल सर ये बताइए कि गोपालगंज में आम इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस जो सेंटर चल रहा है, ये कैसे मतलब मैनेज कर रहे हैं आप इस इंस्टीट्यूट को, इस हॉस्पिटल को और इस डायलिसिस सेंटर को? सर मैनेज कर रहे हैं जी, मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल, आसान तो है नहीं, बहुत मुश्किल है। कितने बच्चे मेरे पास हैं, करीब 60-70 बच्चे मेरे पास हैं और इतने सारे एम्प्लॉय भी हैं। ये बताइए सर कि जैसे कि ये कोर्स करने के लिए हम लोग को पटना, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों में, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर जाना पड़ता था और फिर बहुत जाते भी हैं, जाते हैं लोग। लोगों के मन में भावना ये रहता है कि हमें कोर्स यहाँ पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फैसिलिटी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगा, उनमें उनको टाइम भी किल होता है। हाँ। लेकिन वही प्लेटफॉर्म सर यहाँ मिल रहा है और आप इस मैनेज को मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर उनको? सर बाहर जाने से कोई फायदा है नहीं, देखिए बाहर में बहुत ज्यादा खर्च भी होता है, ज्यादा कोशिश करता है बच्चे को बाहर रहना पड़ता है रूम लेके, और मेरे पास हॉस्पिटल, सबसे बड़ी बात मेरे पास हॉस्पिटल है अपने, यहाँ पे सारा व्यवस्था है, एक्सरे है, लैब है, ओटी है, जहाँ चाहिए सब कुछ मिलेगा, डायलिसिस होता है। अच्छा ये सवाल बहुत अहम हो जाती है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जब रन होता है मेडिकल फील्ड का इंस्टीट्यूट, जैसे कि हम बताते हैं आपको कि आम इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस सेंटर ही चल रहा है, टेक्निकल कोर्स, टेक्निकल टेक्नीशियन मतलब कोर्स भी कर सकते हैं इसमें, तो ये बड़ा मतलब सुनहरा अवसर है बच्चों के लिए कि कोर्स करने के दौरान उनको प्रैक्टिकल भी मिल रहा है, साथ साथ सब कुछ मिल जाता है, पढ़ाई करते हैं प्रैक्टिकल करते हैं एक साथ प्लेटफॉर्म पे, एक ही बिल्डिंग में हॉस्पिटल रहता है, उसमें भी कई तरह सुविधा दी गई है, यानी कि यहाँ पे मैडम है, डॉक्टर समीम परवेज है, ऑर्थोपेडिक्सियन है जी।
यहाँ देखा जाए सर अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, तमाम जांच का भी जांच का सारा सारा टोटल जांच। हॉस्पिटल में आने के बाद से कहीं भी आपको कहीं आपको बाहर जाने कहीं कहीं खर्चा नहीं है, टाइम भी नहीं लेता है, बहुत लोग दवा लेने के लिए भी बाहर जाते हैं, हमारे पास सारा एक दिन लेकिन सारा कुछ है। हमने सुना है सर दवा में डिस्काउंट देते हैं, जो मतलब होलसेल का जो दवा होता है वो दवा आप लोग यहाँ देते हैं सर, देते हैं बिल्कुल। और बच्चे में सर अभी मैट्रिक और इंटर के पास आउट बच्चे के लिए सुनहरा अवसर क्या देना चाहते हैं सर आप लोग? सर हम लोग अभी एग्जाम चलेगा मार्च के आसपास जी, सर उसमें जितने लोग आए उनको स्पेशल हम लोग रखेंगे कुछ अलग से जी। अभी जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले बच्चे हाँ, जैसे उसके हाँ, बाद वो कोर्स कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, उनका भी है मैट्रिक देने के बाद का भी कोर्स है मेरे पास। कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं? जैसे सर मैट्रिक बाद सर फार्मेसी में हो गया उनका सर ड्रेसर हो गया, एक्सरे का हो गया, लैब का हो गया, ऑपरेशन थिएटर का हो गया, ये सब लोग कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का है मैट्रिक के बाद मेरे पास है। कि यहाँ पे जैसे कोर्सेज की बात करेंगे एडमिशन ओपन है, एडमिशन ओपन है 2024 के लिए जी, ओपन है जी, लिमिटेड सीट भी सर करते हैं हम लोग जी। अच्छा बताइए सर कि आम हॉस्पिटल के साथ साथ आम इंस्टीट्यूट रन करने का मकसद क्या रहा आप लोग का? सर मेरा मकसद ये है कि मतलब यहाँ पे बहुत यहाँ कहीं कहीं नहीं, यहाँ पे कहीं आसपास हम लोग देखे कहीं से है नहीं, एक हॉस्पिटल है उसके अंदर इंस्टीट्यूट भी चलता है, ऐसा कहीं पे है नहीं जी। लोग कहीं पे जाकर पढ़ाई करते हैं उनको ये नहीं मिल पाता है, प्रैक्टिकल नहीं मिल पाता है, लोग मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे अरे मेरे पास था तो बहुत लोग आते थे मेरे पास पूछने के, सर मेरे बच्चे इतना आए हैं प्रैक्टिकल करवाना चाहते हैं कुछ भी चाहिए, तो लोग आते थे हम लोग करवाते थे उनको। यानी तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग क्यों हमने अपना खुद का क्यों चालू कर लें। यहाँ पे देख रहे हैं हम सर आपके पोस्टर पे फार्मेसी कोर्स हो रहा है, साथ ही साथ नर्सिंग कोर्स हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर कोर्स हो रहा है, ऑप्टोमेट्री हो रहा है, रेडियोलॉजी हो रहा है, लैब टेक्नीशियन हो रहा है। अच्छा लैब टेक्नीशियन काफी डिमांड चल रहा है, डीएमएलटी का, बीएमएलटी का और एमएलटी का, ये तमाम कोर्स होते हैं। और भी देखा जा रहा है सर कि जैसे कि आजकल बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो फिजियोथेरेपी कोर्स करके तमाम अपना अपना सेटअप खोल रहे हैं, बहुत यूजफुल भी है सर, पैसा कमाने का भी काम मतलब जीवन में बढ़ना चाहते हैं बढ़ सकते हैं। तो ये जो कोर्स होता है सर डीपीटी, तो ये कोर्स आप यहाँ करवा रहे हैं? बिल्कुल सर। कितने साल का कोर्स होता है सर? सर डीपीटी सर 4 साल का कोर्स है और डीपीटी 2 साल का है जी। इस कोर्स करने के दौरान जो बच्चे यहाँ कर लेंगे उनको प्लेटफॉर्म यानी जॉब यहाँ पे आपने लिखा है सर, जॉब अपॉर्चुनिटी हाँ जॉब हाँ हाँ मिल जाते हैं, जॉब मिल जाते दिलाते हैं आप लोग? बिल्कुल मिल जाएगी। कब से चल रहे सर? इनका बहुत सारा डिमांड है, इनका डिमांड बहुत है मार्केट में, बहुत डिमांड है आजकल, हर एक घर में किसी का घुटना में दर्द है, किसी सर मतलब कहीं ना कहीं दर्द सबको रहता है हर एक घर में। अभी देख रहे हैं सर कि जैसे कि यहाँ पे अदर पैरामेडिकल कोर्स भी आप करवा रहे हैं, जैसे डिप्लोमा इन एक्सरे, ये भी बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, डिप्लोमा इन एनालिसिस टेक्निक जो आपको चल रहा है, परिमा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, और डिप्लोमा इन द कार्डियोलॉजी, ये भी सर अच्छा रिस्पांस मिलता है, तमाम कोर्सेज हैं मतलब तमाम कोर्सेज और एक एक और अच्छा एक और बड़ी बात है, जैसे आप मैनेजमेंट कर रहे हैं जी सर, तो ये भी जॉब है सर, ये भी जॉब है, तो हम बता दें डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट तो आप किए हैं और ये चीजें हैं, तो ये चीजें आप करवा रहे हैं, तो इसी तरह से जैसे सर जिस तरह से पोस्ट पे है, ये भी जॉब है, ये भी एक कोर्सेज जॉब है, इन कोर्स करें तो इस तरह जॉब मिल सकता है। हम लोग बीएचएम करके यहाँ पे आए थे जी, बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके आए थे यहाँ जी, तो आप ये कर रहे हैं सर जी सर। देखिए तो तमाम ये कोर्सेज करने के दौरान आपको लाइफ में सक्सेस होने का निश्चित परसेंट आप सक्सेस हो सकते हैं। मैं बता दूं कि हमारे साथ सर आपका नाम क्या पड़ेगा? सर मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है, मैं बिहार का हूँ, लखीसराय जिले से मैं यहाँ आया हूँ। ये राहुल सर है जिस फॉर्म लखीसराय, और ये जो है काफी बेहतरीन तरीके से आम इंस्टीट्यूट और आम हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी भूमिका ये है कि एफिलिएट बाय अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक अब्दुल कलाम से भी मेरा है यूनिवर्सिटी, हमारे भारत के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी और अटल बिहारी जी ये प्रधानमंत्री थे, और काफी उमदा तरीके का प्रधानमंत्री थे, काफी बेहतरीन तरीके से ये उनका सोच था, उन्हीं के नाम से ये मतलब जो इंस्टीट्यूट चलता है उन्हीं के दिशा में ये आज इंस्टीट्यूट चल रहा है। यानी कि जो बच्चे ये कोर्स कर लेंगे तो उनको कहीं भी जॉब के लिए भटकना कहीं नहीं है, नहीं भी मिलता है ना। तो हम चाहेंगे आप सबसे आग्रह करेंगे मतलब बच्चे को लोग अपना आगे बढ़ाएं, अपने बच्चे भी आए हैं हॉस्पिटल में और ये मतलब अपना यहाँ पे आए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? दुर्गेश कुमार है जी। आप पढ़ते हैं ना? हाँ। तो यहाँ पे आए थे आप इंक्वायरी करने के लिए जी? आप मतलब आप लोग यहाँ पे आए थे देखने के लिए ना? हाँ। चलिए तो देखिए इस तरह के बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे मतलब कोर्सेज ज्वाइनिंग के बारे में जानने के लिए। एडमिशन हम लोग का ओपन क्या है? एडमिशन ओपन चल रहा है, यानी महीना ये चल रहा है फरवरी, और जैसे ही मार्च में आएगा तो आपको मतलब उस तरह का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको कि आप लोग आम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड हेल्थ साइंस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं
तो आप लोग आ सकते हैं बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे सारा फैसिलिटी मेरे पास, सारा कुछ है, सारा एक छत के नीचे सारा कुछ मिलेगा आपको, एक छत में सारा कुछ मिलेगा, क्लास मिलेगा। हो सकता है कि इंसान यहाँ पर आए सीखने पढ़ने, हाँ, डॉक्टर भी बनकर निकल जाए, बिल्कुल हो सकता है। हाँ चलिए, एक छत के नीचे आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, और वाकई में डॉक्टर तो है ही, डॉक्टर हम लोग हैं, हम लोग सेवा करते हैं सब लोग का, जितना हम लोग सेवा कर सकते हैं। डॉक्टर जो होते हैं उनसे ज्यादा तो यही काम करते हैं लोग, हाँ। लेकिन एक तरीके से ये भी एक डिमांड है और ये भी लेवल पे काम, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो हम लोग ऊपर दिखाए हैं आपको लाइव में सच पे, जो आम किडनी डायलिसिस सेंटर है वो भी जो वहाँ पे आसिफ अख्तर जो है, हाँ। जो देख रहे हैं वो भी एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो भी डायलिसिस का कोर्स करके आए, वो भी कोर्स करके आए, बिल्कुल कोर्स किया है, तो वही कोर्स सब सिवान सिवान मेरे पास वाला वही सेम कोर्स मेरे पास। सिवान के युवा बिहार में कुछ लोग सर इसमें कमेंट कर रहे हैं लाइव वीडियो में, जैसे कि मोबाइल नंबर पे डाल दीजिए जी, मोबाइल नंबर यानी सर नंबर अपना बता दें 8540901876। और भी अभी सर का सारा सेटअप तैयार हो रहा है।